दिल्ली में प्रदूषण के खतरे से भला कौन अवगत नहीं है, लेकिन अब दिल्ली की हवा में ओजोन की बढ़ती मात्रा से प्रदूषण का खतरा और बढ़ता जा रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CES के मुताबिक दिल्ली के ज्यादा आबादी वाले इलाके जैसे पटपड़गंज, आरकेपुरम, नेहरू नगर, नजफगढ़ और सोनिया विहार के औद्योगिक और निम्न आय वाले लोगों की आबादी वाले इलाकों में प्रदूषण की स्थिति सबसे खतरनाक पाई गई है। CSE का यह अध्ययन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के द्वारा किए गए 31 निरीक्षण केंद्रों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है और CSE की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी मई के दौरान कम से कम 23 दिन ओजोन प्रमुख प्रदूषक पाया गया और ये खतरे के शुरुआती संकेत हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओजोन बहुत ही खतरनाक होता है, खास तौर से सांस संबंधी रोगों, दमा और फेफड़ों की तकलीफों से पीड़ित मरीजों के लिए बहुत ही डेंजरस है। साथ ही साथ इससे दिल की बीमारी का भी खतरा पैदा हो सकता है। हेल्थ इंफेक्ट इंस्टीट्यूट के 2017 के एक अध्ययन में बताया गया कि भारत में ओजोन के कारण कम उम्र में होने वाली मौत के मामलों में 148% का इजाफा हुआ है। आइए जानते हैं कि ओजोन क्या है। ओजोन यानी कि O3, ये तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। काफी प्रतिक्रियाशील तत्व ओजोन नाइट्रोजन ऑक्साइड का ऊष्मा, सूर्य प्रकाश और अन्य वाष्पशील गैसों के साथ प्रतिक्रिया से बनता है। यह ज्यादातर वाहनों से निकलने वाले धुएं और अन्य स्रोतों से उत्पन्न होता है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।